सब्सक्राइब कीजिए प्रो एक्टिव टेक्निकल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रो एक्टिव टेक्निकल के एकदम फ्रेश कमाल वीडियो में। और आज का वीडियो एकदम खास होने वाला है क्योंकि मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रो एक्टिव न्यूज, जो की हमारी सीरीज होती है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं नई नई टेक अपडेट्स को लेकर के। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी पहली टेक अपडेट से जो कि निकल के सामने आ रही है एप्पल की तरफ से। और एप्पल अपने आईफोन 9 की प्रोडक्शन शुरू करने वाला है फरवरी के महीने में, साथ ही में ये हमें ऑफिशियली लॉन्च होने को मिलेगा मार्च के महीने में, यानी कि ये हमें मार्च के महीने में लॉन्च होने को मिलेगा। और साथ ही में जो इसका डिजाइन होने वाला है वो आईफोन 8 से इंस्पायर है, यानी कि इसके अंदर हमें ग्लास बैक देखने को मिलेगा। साथ ही में आईफोन 11 से मैचिंग प्रोसेसर यानी कि A13 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है आईफोन 12 को लेकर के। और आईफोन 12 की जो कुछ स्पेक्स निकल के सामने आई थी वो पहले मैंने आप सभी के साथ शेयर की थी अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, साथ ही में जो अब स्पेक निकल के सामने आ रही है उससे हमें पता लगता है कि जो आईफोन 12 होने वाला है वो आईफोन 11 प्रो के मुकाबले काफी थिन होने वाला है। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है सैमसंग की तरफ से। और सैमसंग ने इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया अपना सैमसंग गैलेक्सी S10 Lite। और अगर बात करते हैं हम इसकी प्राइसिंग की तो जो इसकी प्राइसिंग रखी गई है वो हमें 40,000 रुपए देखने को मिल रही है। साथ ही में इसके अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 855 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 4500 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। और जो बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया है उसकी कीमत 40,000 रुपए है, उसके अंदर हमें 8GB प्लस 128GB वेरिएंट देखने को मिलता है। और जो 6GB वाला वेरिएंट है वो इंडिया के लिए लॉन्च नहीं किया गया है। और आगे बढ़ते हम अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है फेसबुक की तरफ से। और फेसबुक अपनी टेस्टिंग को एक्सपेंड करने वाला है एंड्रॉइड के अंदर डार्क मोड को लेकर के, यानी कि जल्द ही हमें एंड्रॉइड के अंदर देखने को मिलेगा फेसबुक ऐप के लिए डार्क मोड। और इसकी जो टेस्टिंग है वो एक्सपेंड की जा रही है, तो देखना ये होगा कि कितने जल्दी हमें यही डार्क मोड देखने को मिलेगा फेसबुक ऐप के अंदर। और आगे बढ़ते हम अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और वो निकल के सामने आ रही है ट्विटर के नए फीचर को लेकर के। और ट्विटर ने अपने नए फीचर के अंदर इमोजी ऐड करने का नया डिसीजन लिया है, यानी कि ट्विटर के अब से डायरेक्ट मैसेजेस के अंदर हमें इमोजी देखने को मिलेंगे। और आगे बढ़ते हम अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और वो निकल के सामने आ रही है पोको X2 के टीज को लेकर के। और पोको इंडिया ने ट्वीट करके बताया कि सीजन 2 इज हेयर, यानी कि हमें पोको की तरफ से नया फोन देखने को मिलेगा जिसका नाम होने वाला है पोको X2। और आगे बढ़ते हम अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है Xiaomi Mi A3 की प्राइस कट को लेकर के। और Xiaomi Mi A3 की प्राइस कट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अब से यही Xiaomi A3 हमें देखने को मिलेगा 12,000 की स्टार्टिंग प्राइस से। और यही Xiaomi Mi A3 काफी अच्छा फोन है अगर हम इसे कैमरा के मामले में देखते हैं, यानी कि इसके अंदर हमें 48 MP रियर कैमरा और साथ ही में 32 MP फ्रंट कैमरा भी देखने को मिलता है। और इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेक्स है, यानी कि इसके अंदर हमें एमोलेड डिस्प्ले और साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे नए फीचर भी देखने को मिलते हैं। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट से जो कि निकल के सामने आ रही है आईफोन 12 की कुछ लीक्स को लेकर के। और लीक से हमें पता लगता है कि आईफोन 12 के अंदर एक हमें ब्लू कलर का नया वेरिएंट देखने को मिल सकता है, यानी कि ब्लू कलर के साथ में भी हमें आईफोन 12 देखने को मिल सकता है। यह फिलहाल लीक है और एक कंफर्म नहीं हुआ है कि इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा या नहीं यही ब्लू कलर। साथ ही में आप सभी को पता है कि आईफोन 9 की जो प्रोडक्शन है वो फरवरी से शुरू हो जाएगी और ये मार्च से ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में क्वालकॉम ने अपने 3 नए प्रोसेसर लॉन्च किए थे प्रेस इवेंट के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर, जिसका नाम था क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G और साथ ही में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इन तीनों का कंपैरिजन हमने किया है, तो यहाँ पर आई बटन में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में इन प्रोसेसर के अंदर हमें ISRO NavIc GPS देखने को मिलेगी, यानी कि एक टेक्नोलॉजी ऐसी होने वाली आपके स्मार्टफोन के अंदर जो कि ISRO ने बनाई है, यानी कि यही ISRO NavIc GPS देखने को मिलेगा हमें इन्हीं प्रोसेसर के साथ में। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है पोको F1 की नई अपडेट को लेकर के। और पोको F1 के अंदर अब से हमें एंड्रॉइड 10 की स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगी, यानी कि एंड्रॉइड 10 की स्टेबल अपडेट आ चुकी है, अब से हम इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने पोको F1 के अंदर। और साथ ही में पोको X2 भी हमें लॉन्च होने को मिलेगा जो कि ट्वीट करके उन्होंने सीक्रेटली टीज किया था। तो आगे बढ़ते हैं अपनी अगली टेक अपडेट की तरफ जो कि निकल के सामने आ रही है मोटरोला रेजर फोन को लेकर के।
और मोटरोला रेजर फोन की जो यूएस के अंदर लॉन्च डेट है वो कंफर्म हो गई है, यानी कि 26 जनवरी को ये हमें यूएस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही में अगर बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग हमें $1500 देखने को मिलेगी, जो कि सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के मुकाबले थोड़ी सी कम है। यानी कि अगर हम इसे रफली कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज के अंदर, तो ये हमें करीब 1,07,000 रुपए के आसपास देखने को मिलती है। तो आज के प्रोएक्टिव न्यूज में इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई टेक अपडेट्स लेकर के आता रहता हूँ।